गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास एंड जो आपकी फर्स्ट इंग्लिश की क्लास थी उसमें आपने चैप्टर वन पढ़ा था, अ स्ट्रेंजर एट बेंडो इन, जिसमें हमने आपको बिली बोन्स और जेम हॉकिंस के बारे में पढ़ाया था। जो स्टोरी में दो तीन कैरेक्टर हैं, जिसमें जो आपने बिली बोन्स के बारे में पढ़ा था, जो एक सी मैन है और वो सराय में आके रह रहा था, और जो जिम हॉकिंस हैं वो इस स्टोरी के नरेटर हैं, और एडमायरल बेंडो इनके जो मालिक हैं उनके बड़े बेटे हैं। तो आपने यहाँ तक पैराग्राफ्स पढ़े थे जिसमें आपने जिमी और बिली बोन्स दोनों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आपको नेक्स्ट पैराग्राफ्स पढ़ाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इट अपीयर्ड दैट बिली बोन्स वॉज हैप्पी विद आवर इन। ही वॉन्टेड टू नो इफ इन वॉज फ्रिक्वेंटेड बाई मैनी पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड। ऐसा दिखाई देता था कि बिली बोन्स हमारी शराय में खुश है, और लेकिन वो ये जानना चाहता था कि कितने लोगों ने सराय को दूर से देखा है। When he was told that not many people come to Admiral Bendo, his eyes lit up and for a brief instance I even saw a smile instead of a squirrel। जब उसे ये बताया गया कि बहुत ज़्यादा लोग एडमायरल बेंडो में नहीं आए हुए हैं, तो उसकी आंखें जल उठीं गुस्से से, और वो एक संक्षिप्त उदाहरण चाहता था। और उस दिन मैंने उसके चेहरे पर एक स्माइल देखी बजाय उसकी उदासी के। ही गेव माई फादर सम गोल्ड कॉइन्स एंड प्रोमिस टू पे मोर वेन इट गॉट ओवर। उसने मेरे पिता को कुछ सोने के सिक्के दिए थे और यह वादा किया था कि वह जो बचा हुआ भुगतान है वो जल्दी ही दे देगा। विद अ ब्रास टेलीस्कोप हंग अराउंड हिज नेक फॉर डेज ऑन ही सोर्ड द कोव। गले में एक पीतल की दूरबीन को लटकाकर वो उन दिनों एक खाड़ी के बारे को खोजा करता था। एवरी इवनिंग ऑन हिज रिटर्न ही वुड नॉट फेल टू इंक्वायर वेदर अ सी मैन विद वन लेग हैड विजिटेड द इन। जब वो वापस लौटता था तो वो कभी भी यह पूछना नहीं भूलता था कि एक पैर वाला मछुआरा सराय में आया या नहीं। ऑन द होल बिली सीम्स टू बी अ विकड मैन एंड ऑल वर अफ्रेड ऑफ हिम। कुल मिलाकर जो बिली था वो देखने में बहुत ही दुष्ट व्यक्ति दिखाई देता था, मतलब जो उसका चेहरा था, उसकी जो पर्सनालिटी थी, उसके अकॉर्डिंग वह एक अच्छा आदमी दिखाई नहीं देता था, इसीलिए सब उससे डरते थे। ही इवन ट्रीटेड टू किल आवर फिजिशियन डॉक्टर लिवेसी व्हेन ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू ड्रिंक सो मच। यहाँ तक कि उसने जो हमारे फैमिली फिजिशियन, हमारे जो फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर लिवेसी को बहुत ही ज़्यादा मारा था, जान से मारने की धमकी भी दी, क्योंकि उन्होंने उसे ड्रिंक, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए मना कर दिया गया था। ओनली व्हेन द गुड डॉक्टर स्पोक ऑफ द पुलिस डिड ही पुट हिज नाइफ अवे। जब वो उस अच्छे डॉक्टर ने पुलिस के से कहने की बात की तो उसने अपना चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। ऑल्दो ही स्टेड विद अस वीक आफ्टर वीक ही नेवर ऑफर्ड एनी मोर मनी। वो हमारे साथ कई हफ्तों तक रहा लेकिन उसने और पैसे हमें कभी नहीं दिए। गोइंग बाय द रेपुटेशन बिली हैड बिल्ट फॉर हिमसेल्फ माई फादर वॉज इवन ऑफरेड टू प्रेस फॉर हिज ड्यूज। जो बिली थी, बिली बोन्स था, उसने अपनी जो रेपुटेशन थी वो ऐसी बना रखी थी कि मेरे पिता उससे जो बचा बकाया राशि थी वो मांगने में बहुत अधिक डरते थे, क्योंकि बिली बोन्स ने पहले ही उनके फैमिली डॉक्टर्स को पीट चुका था और उसकी गर्दन पे वो चाकू भी रख चुका था। इसलिए जो जेम हॉकिंस के फादर थे, सराय के मालिक थे, वो उससे पैसे मांगने में डरते थे। वन डे द कैप्टन सेट आउट फॉर द बीच विद हिज कटलास एंड टेलीस्कोप। एक दिन जो कप्तान था वो कटलास और टेलीस्कोप लेकर गया हुआ था, अपनी दूरबीन और कटार के साथ वो
बाहर गया हुआ था. माय फादर वाज वेरी इल एंड आई वाज हेल्पिंग माय मदर टू ले द टेबल्स. एक दिन जो मेरे पापा थे वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे और मैं अपनी माँ की टेबल्स को बिछाने में मदद कर रहा था. सडनली द डोर ओपेंड एंड अ पेल मैन वॉकड इन. मैं अपनी माँ की टेबल्स को बिछाने में मदद कर रहा था और अचानक से डोर ओपन होता है और एक आदमी अंदर आता है. ही हैड टू फिंगर्स मिसिंग ऑन हिज लेफ्ट हैंड. उसका जो बायां हाथ था उसमें से उसकी दो उंगलियां मिसिंग थी, मतलब उसकी दो उंगलियां नहीं थी. ही हैड ए कटलास बट ही डिड नॉट लुक अ फाइटर. ही आस्क्ड फॉर अ टेबल एंड सैट डाउन. उसके पास एक कटार थी लेकिन वो फाइटर दिखाई नहीं देता था. उसने हमसे टेबल के लिए पूछा और वह बैठ गया. आज की क्लास में आपको यहाँ तक पढ़ाया जा रहा है. आप जो भी पैराग्राफ्स आपको पढ़ाए गए हैं उन्हें आप रीड करिएगा और हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करके लिखिएगा. बिकॉज आपको जो भी स्टोरी जो भी पैराग्राफ्स पढ़ाए जाते हैं उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते होंगे जिन्हें आप रीड नहीं कर पाते हैं या जिनकी मीनिंग्स आपको पता नहीं होती हैं, तो आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन किया करिए और उन्हें रीड करने की कोशिश किया करिए, उनकी मीनिंग्स को फाइंड करिए ताकि आपको वो लेसन्स और स्टोरी समझ में आए.